नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दिल्ली में आज सुबह एक महिला ने पीसीआर वैन में एक बच्चे को जन्म दिया। दरअसल पीसीआर को एक कॉल मिली थी कि सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर ग्वालियर से आई एक प्रेग्नेंट महिला को लेबर पेन हुआ है। पीसीआर वैन में मौजूद पुलिसकर्मी ने बिना देर किए मौके पर वो पहुंचे और महिला को लेकर बाड़ा हिंदूराव अस्पताल की तरफ बढ़े, लेकिन महिला ने रास्ते में ही पीसीआर वैन में बच्चे को जन्म दिया। पुलिसकर्मियों ने महिला और नवजात बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टरों के मुताबिक माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। जिला भिंड से आ रहा था दादर एक्सप्रेस में, हाँ तो वैसे टाइम तो इसको 5-7 दिन का था, मैं चला आया। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ नई दिल्ली निकलते ही इसको दर्द शुरू हो गया। मैंने यहाँ फोन करा इसको टीटी को, तो टीटी मेरे पास आया, उसने स्टेशन मास्टर को फोन करा, उन्होंने पीसीआर बुलाई है, पुलिस आई है, टाइम पे पहुंच गए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई हॉस्पिटल तक आने में। डिलीवरी जो हुई वो कैसे हुई, कहाँ पे हुई थी, पीसीआर में हुई थी या हॉस्पिटल आके? वो मुझसे क्या नाम, जब ट्रेन से हम उतरे नहीं, ये लोग पहुंच गए हैं, उसी टाइम हुई है, ये पहुंच के लेने लगे। 5:28 पे कॉल मिली सर, तो हम 5 मिनट में सब्जी मंडी स्टेशन पहुंच गए। वहां पर देखा तो एक लेडीज परेशान है, तो हम स्ट्रेक्चर पर उसको ले आए, तो उसको रस्ते में ही डिलीवरी हो गई, और उसके सास और उसका ससुर साथ में थे और एक लड़की थी साथ में उसकी, तो 5 मिनट में HRS में एडमिट करा दिया। बड़ा अच्छा लग रहा है जी, एक मतलब वो परिवार बहुत खुश है, वो लड़का हुआ है जिसकी सास और ससुर बहुत खुश है, पीसीआर के स्टाफ से बहुत खुश है, मतलब इतनी जल्दी हमारे को हॉस्पिटल पहुंचा दिया और हमारी मदद की। मेरे सहयोगी नीरज गौड़ जुड़ गए हैं। नीरज, पूरा वाक्या है क्या? जी विद्या, मैं आपको बताऊंगी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास का वक्त था, और ये पीसीआर जो वैन है ये सब्जी मंडी के इलाके में गश्त करती है। सुबह 5:30 बजे के आसपास इनको कॉल मिलती है, उसके बाद में ये बताया जाता है कि एक महिला को दर्द हो रहा है, उसके बाद में ये सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, और उसी बीच में पीड़ित महिला को जैसे ही पीसीआर वैन में ये लोग बैठाते हैं, उसके बाद में इनका स्टाफ होता है, और उसी के साथ में जो पीड़ित महिला उसके साथ में उनके भी लोग होते हैं, और उसी बीच में रेलवे का जो स्टाफ है वो अपने पास से एक महिला को भेजता है, और ये लोग जो है पीसीआर में बैठते हैं, उसके बाद में जैसे ही पीसीआर वैन चलने लगती है उस बीच में ये लोग मदद करते हैं, और फिर जो कि महिला को डिलीवरी होती है, बच्चे का जन्म होता है, और फिर सबसे बड़ी बात तो ये कि 5 मिनट के अंदर जो है सब्जी मंडी वहां से उसके बाद में उसको बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में उस महिला को उस बच्चे को यहां पर लेकर आते हैं। फिलहाल उसको भर्ती करवाया गया है, वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, और महिला और उसका जो बच्चा है दोनों जो बिल्कुल सुरक्षित हैं और उनका इलाज यहां पर चल रहा है। पूरी जानकारी के लिए, तो 2 दिन से लगातार दिल्ली पुलिस की तत्परता नजर आ रही है। एक वाक्या ये ताजा है जो अभी आपने देखा, और इससे पहले कल भी दिल्ली में एक बड़ी वारदात होने से पुलिस ने बचा लिया था।